प्लांट लगाया गया है। हाँ, तो प्लांट लगा है। तो क्या इससे आप लोगों को सप्लाई मिलती है? पानी सप्लाई नहीं दे रहा, तीन चार दिन पानी सप्लाई दिया है। अच्छा, इसके बाद तब से बंद पड़ा हुआ, कोई सुनवाई नहीं है और जनता खाली चलाती है पानी पानी, और आरो पानी दिया भी नहीं, खाली सादा पानी से दे रहे थे लोग। अच्छा, सादा पानी दे रहे थे। तो इससे आप लोगों को क्या फायदा है और क्या फायदा? क्या नुकसान? नुकसान है, सारे रास्ते खराब हो गए, गाँव के अंदर आने जाने RCC रोड बनी उसको तोड़ दिए, जहाँ खड़ंजा लगा था उसको भी तोड़ दिए, गड्ढा हो गया जगह जगह पे, और कोई उससे रोज आने जाने में दिक्कत होती है लोगों को। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब चाहते हैं काजे से पानी सप्लाई हो, आरो पानी लगा है सरकारी, जन का दुरुपयोग ना हो, जनता जनहित में लगा है, जनता उसका लाभ उठावे, सही काम करे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा किया गया है ऐसा? अब पता नहीं कौन नहीं सुन सुनवाई मिलेगी, लेकिन हुआ क्या कि पानी प्लांट लगा, और प्लांट लगाने के बाद वो लोग चलाए भी थे इसको, चला एक हफ्ते चला लगभग, उसके बाद जो है ये लोग चले गए छोड़ करके, फिर अपने आप वो बंद हो गया, अपने आप बंद हो गया, कैसे बंद हो गया भगवान जाने, और रास्ता भी सब खराब कर गए, पानी भी नहीं चल रहा, तीन महीने से इस गर्मी में लोग पानी के लिए तड़फ रहे हैं, जहाँ के बूथ के लिए तहाँ ये प्लांट बंद पड़ा हुआ है, न कोई सुविधा इससे मिल रही है, 10 लाख रुपया सरकार का इस पर व्यय हुआ है, अब उसको लगता है कि ना चलेगा भी ये बेकार है, 10 लाख रुपया गवर्नमेंट का बेकार चला जाएगा। आप लोग इस पर कुछ है? क्या हम लोग क्या कर सकते थे? हम लोग ऑनलाइन कंप्लेंट किए, एक बार किए, दूसरा रिमाइंडर भी दिए, इसके आगे हमारी क्या औकात भाई, इसके आगे हम लोग क्या कर सकते, जनता क्या कर सकती है? कोई तो सुनने वाला नहीं है, ना कोई सुनवाई हुई आज तक। आप क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि इसको RO प्लांट्स को स्टार्ट कराया जाए, चालू कराया जाए, जनता को पानी दिलाया जाए, और क्या, और उसके आगे क्या, रास्ता जो तोड़े चाड़े इसको ठीक कर दिया जाए सब, और क्या हो। तो ये कितना रास्ता नुकसान किया? रास्ता तो हमारे गांव में तमाम आ गया, एक बार लगा करके ये लोग छोड़ के गए, पानी ही नहीं उठा रहा था, दोबारा ये लोग आए, दूसरा बोरिंग किए, दूसरा बोरिंग करने के बाद में चालू करके गए, चालू करने के बाद में भी 2-3 दिन चला, इसके बाद बंद हो गया, इनके पास कंप्लेंट किया गया, वो बोलते हैं आएगा बराबर करके जाएगा, लेकिन आज तक कोई नहीं आया। उसके साथ साथ में जो ये लोग पाइप बिठाए हैं वो जगह जगह पर धस गया है, वो गड्ढा गिर गया है, इसमें कभी पशु का पाँव पड़ जाता है, कभी आदमी या बच्चे गिर जाते हैं, लेकिन कोई बराबर करने के लिए तैयार नहीं है। केवल गवर्नमेंट को बताने के लिए यह है कि RO प्लांट लगा दिया है, रामनगर में RO प्लांट लगा दिया है, चालू हो गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, एकदम बंद है। ये जब से लगा है तब से अभी तक सप्लाई नहीं, सप्लाई करके गए थे दूसरा बोरिंग करके, 2-3 दिन चला, लेकिन उसके बाद में फिर बंद हो गया, तब से कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अब आपके लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ये बराबर चालू हो जाए, और जो ये गड्ढा गुड्ढी है वो बराबर कर दें।